हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 8। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर्स की रिमेनिंग प्रॉपर्टी जो हमारी रह गई थी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम थ्री प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट करा कर चुके थे पिछली क्लास में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी से। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे बोला जाता है कि अगर किसी रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करें तो आंसर वो रेशनल नंबर ही आता है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है वन। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में वन वन जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और वन का मल्टीप्लाई अगर किसी भी रेशनल नंबर के साथ करते हैं तो आंसर वो रेशनल नंबर आता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए लेट 5/7 एंड 1 आर द रेशनल नंबर्स। 1 भी एक रेशनल नंबर है, 5/7 भी एक रेशनल है। एंड वी हैव सॉल्यूशन 5/7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज जस्ट इक्वल टू द 5/7। मीन्स दैट किसी भी रेशनल नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो रेशनल नंबर मतलब खुद आता है, इटसेल्फ आता है। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर ली। अगली प्रॉपर्टी है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अभी तक हमने एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था, आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए अपॉन बी हैज इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बी अपॉन ए सच दैट द मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स इनवर्स इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जस्ट रेसिप्रोकल द नंबर। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बोला जाता है कि अगर किसी रेशनल नंबर को अपने ही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। मान इसमें बी अपॉन ए जो है वो ए अपॉन बी का एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। ओके, इसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है बी अपॉन ए इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ ए अपॉन बी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं प्रॉपर्टी को। लेट 5/7 बी रेशनल नंबर एंड देयर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज 7/5। सो देन 5/7 मल्टीप्लाई 7/5 इज जस्ट इक्वल टू द 1। ये बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को उसके ही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा 1 आएगा। ओके स्टूडेंट, प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। हमने अभी एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर एडिशन हमने पढ़ा था। अभी हम बात करने वाले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर। हमने कोई भी तीन रेशनल नंबर सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमने उनको किसी भी ऑर्डर में अरेंज किया। ओके, एसोसिएटिव की तरह। लेकिन इसमें कंडीशन है कि उसमें जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें मल्टीप्लाई नहीं, एडिशन आना है, क्योंकि वहां पर लिखा है ओवर एडिशन। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग हमने करी ए अपॉन बी स्टार्ट प्लस मल्टीप्लाई, उसके ब्रैकेट के अंदर दोनों रेशनल नंबर्स को एडिशन फॉर्म में रखा। अगर हम इसको करते, अब इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्रेक करना। जब हम ब्रेक करेंगे तो इस ए अपॉन बी का जो फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इस ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर दोनों रेशनल नंबर के साथ 1/1 करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई पहले सी अपॉन डी के साथ प्लस का साइन एज इट इज, और फिर ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ के साथ मतलब बारी बारी करेगा। ओके, एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे हमने कोई भी कंसिडर कर लिए थ्री रेशनल नंबर्स जिनका जो है 1/3, 2/5 एंड 3/4। मैंने सबसे पहले जो आपकी आइडेंटिटी दी उस पे इन सभी नंबर्स को पुटअप कर दिया। और पुटअप करने के बाद मैं ये चेक करूंगा क्या दोनों साइड की वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी सही है, और अगर नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब प्रॉपर्टी हमारी करेक्ट नहीं है। चेक करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड में बात करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आता है 20,
फाइव से 20 को डिवाइड है 4 टाइम, 4 टू जा 8 एंड 4 डिवाइड 20 इन 5 टाइम, 5 थ्री या 15। सेम एज वे राइट साइड में हम ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन का रूल जो होता है वो कहता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो 2 वन जा 2 और 5 थ्री या 15। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड वाले ब्रैकेट में, तो वहाँ पर 3 वन जा 3 और 3 फोर जा 12, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अगला चेक करिए, 8 प्लस 15 होता है 23, 23 वन जा 23 एंड 23 जा 60, लेफ्ट साइड में आ गया 23 अपॉन 60, राइट साइड में हमने एलसीएम ले लिया 60, तो ऊपर हो गया 8 प्लस 15। अच्छे से चेक कर लीजिए, देन 23 अपॉन 60 इजिकल टू 23 अपॉन 60 मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड, यही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, और अगर इक्वल आ रही है इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी ऊपर हमने लिखी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, ये करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारी आखिरी जो प्रॉपर्टी बचती है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। बहुत ही ईजी और अच्छी है कि अगर किसी रेशनल नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो आता है। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी के बेसिस पर क्लियर, मान लिया हमारे पास एक रेशनल नंबर ए अपॉन बी है और हमने उसको जीरो को मल्टीप्लाई किया, चाहे किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए तो आंसर जीरो आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 5/7 लिया हमने एक रेशनल नंबर, उसको मल्टीप्लाई किया जीरो के साथ, तो आंसर जीरो आया। ओके, आपका जो होमवर्क है वो है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 इन एक्सरसाइज 1D फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी बुक की 1D एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 9 तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।